हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मौन कला। आज अपने इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक केक का जो बेस पड़ा हो घर में, उससे हम खूबसूरत सा मिरर तैयार कर सकते हैं, वो भी एक डेकोरेटिव मिरर। यहाँ पर आपके पास अगर मिरर का पीस नहीं हो तो आप पूरे में कुछ भी कौन वर्क काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मिरर है तो आपके लिए एक छोटा सा होम डेकोर का मिरर तैयार हो जाएगा, जिसको आप अपने किचन में लगाएं, अपनी डाइनिंग टेबल के पास लगाएं या लिविंग रूम में लगाएं, सब जगह ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर मैंने चॉक पेंट का इस्तेमाल किया है। चॉक पेंट बनाना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। चॉक पेंट घर में बनाना बहुत ही आसान है। चॉक पेंट बनाने के लिए आप एक्रेलिक कलर लेंगे और उसमें एक चम्मच जो है हमारा चॉक पाउडर डाल देंगे, बस उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी और आपका चॉक पेंट तैयार हो जाएगा। उसे आप फिर किसी भी सरफेस पे लगाएं, आपका काम बहुत ही परफेक्ट निकल के आएगा। जैसे कि आपने देखा कि मेरा ये जो गत्ते का पीस था, ये कितना ब्राउन ब्राउन से कलर का था, है ना, और रफ रफ दिख रहा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक कोट सिर्फ चॉक पेंट का कर दिया तो आपका काम बहुत ही अच्छा हो गया। आप चॉक पेंट को दो या तीन कोट भी कर सकते हैं, लेकिन चॉक पेंट की खासियत ये होती है कि एक कोट में ही हर एक सरफेस पे सही हो जाता है, लेकिन फिर भी एकदम बेस्ट फिनिश के लिए आप दो कोट कर सकते हैं, लेकिन एक कोट सूखने के बाद दूसरा कोट करिएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मिरर के चारों ओर फेविकॉल लगाए और कोई भी डोरी जो मेरे पास पड़ी थी, खूबसूरत सी डोरी है ये, मैं लहंगे के लटकन बनाने के लिए इस डोरी को लेके आई थी, उस डोरी को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अगर आपके पास इस तरीके की डल गोल्डन की डोरी ना हो तो आप कोई भी जूट की रस्सी हो, किसी भी तरीके की डोरी हो आपके पास, इवन नाड़ा भी हो तो वो भी चलेगा, कोई भी रस्सी नहीं तो आप ऊन को भी मोटा रैप करके कई लेयर लगाकर उसका भी, उसकी भी छोटी सी बनाकर उसे भी लपेड़ के यहाँ लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इससे क्या होगा कि हमारा मिरर खूबसूरत भी लगेगा और प्रोटेक्ट भी हो जाएगा, यानी कि उसमें एक नीटनेस भी आएगी और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आप इस काम को डोरी की जगह क्ले से भी कर सकते हैं, मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल करके भी आप डोरी के चारों ओर कवरिंग कर सकते हैं। आप मिरर अगर पहले लगा देंगे जिस तरह मैंने लगाया है तो आपको काम करने में आसानी होगी, आपकी डिज़ाइनिंग आसानी से आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। और अगर आप किसी डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं तो अलग बात है कि आप मिरर बाद में प्लेस कर लीजिए, लेकिन फिर भी डोरी तो लगाने से ही आपके उसमें निखार आएगा। अब यहाँ पर मैंने सिरेमिक कोन से अपने में मिरर को प्लेस कर रही हूँ, चिपका रही हूँ, छोटे छोटे जो मिरर में लगा रही हूँ। यहाँ पर आप फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिरेमिक कोन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सिरेमिक कोन का इस्तेमाल करने से क्या होता है, जब हम अपने मिरर को वहाँ प्लेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे मिरर के चारों ओर एक छोटी छोटी सी गोल्डन कलर की कवरिंग आ गई है, वो मिरर के प्लेसमेंट को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। अब यहाँ पर मैं देखिए बाकी की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, उसके लिए मैंने ये सिरेमिक कोन लिया है। सिरेमिक कोन को आप ये डिज़ाइन जो है पेंसिल से पहले ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसके बाद आप कोन चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आप लोग पेंसिल से, अगर बिगनर्स हैं तो प्लीज़ पेंसिल से पहले बनाइए और उसके बाद करिएगा। यहाँ पर मैंने सिरेमिक कोन लिया है। सिरेमिक कोन की भी रेसिपी मैं आप लोगों को के संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगेन आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ कि सिरेमिक कोन आप कैसे बनाएंगे। सिरेमिक कोन बनाने के लिए आपको सिरेमिक पाउडर और एक्रेलिक कलर चाहिएगा। बस आपको एक्रेलिक कलर लेना है, सिरेमिक कोन लेना है एक कटोरी में, और फेविकॉल लेना है। इनको अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लीजिए, बिल्कुल वैसा ही पेस्ट जैसा कि हमारा मेहंदी का पेस्ट होता है। मेहंदी तो सारी लेडीज़ लगाना जानती ही हैं और सबने देखा ही हुआ है, तो बस उसी कंसिस्टेंसी का आपको पेस्ट बनाना है और अपने कोन को मैं भर देना है, कोई भी कोन बनाकर। यहाँ पर अब देखिए मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और कर रही हूँ। आपका कोन हो सकता है कि चलने में बीच बीच में दिक्कत करे, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मेरे इसमें जितनी जगह है मैं उसी हिसाब से इसको पूरा फिल कर दे रही हूँ, ताकि मेरी डिज़ाइन खाली खाली ना लगे। आप खाली भी रख सकते हैं और यहाँ पर बड़ा मिरर सिंपल प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर
हाफ लीफ जैसा डिज़ाइन बना रही हूँ और अपने कोन को चला रही हूँ। आप घर में कोई भी राउंड, स्क्वायर, कैसा भी केक बेस हो, आप उस पर ये काम कर सकते हैं। ये सिरेमिक कोन है, अगर जैसे जैसे खाली होता जाए तो उसे ऊपर की साइड से फोल्ड करते जाइए। यहाँ पर मैं फिर से एक सर्कल बना रही हूँ, इस सर्कल के ऊपर भी मैं मिरर प्लेस करूँगी। तो देखिए, एक तरीका मैंने आपको इसमें पहले बताया था कि आप डॉट के रूप में रख दीजिए और फिर उसके ऊपर मिरर को प्लेस कर दीजिए। दूसरा तरीका है, अगर बड़ा मिरर लगा रहे हैं तो एक सर्कल बना दीजिए मिरर के साइज से थोड़ा छोटा और उसके ऊपर मिरर को प्लेस कर दीजिए और दबाइएगा ज़रूर। दबाने से क्या होगा कि उसके मिरर के चारों ओर एक गोल्डन आउटलाइन बन जाएगी। यहाँ पर अभी ये आपको गोल्डन जो कलर है वो गोल्डन, प्रॉपर गोल्डन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ड्राई होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर बन जाता है। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें और कैसे छोटे छोटे डॉट्स डाल के या ड्रॉप, टीयर ड्रॉप वगैरह डाल के डिज़ाइन को की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल डिज़ाइन रखी हुई है, कोई भी बिगनर, कोई भी जना बना सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं सिंपल होने के साथ ही कितना खूबसूरत भी लग रहा है। यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे मिरर और प्लेस कर रही हूँ। तो देखिए, जहाँ मैंने डॉट डाले थे, डॉट के ऊपर मैंने छोटे छोटे साइज़ के मिरर प्लेस कर दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुल 4 साइज़ के मिरर का इस्तेमाल किया है। सबसे बड़ा मिरर मैंने सेंटर में लगाया है, जिसको मैंने पेपर से अभी कवर कर दिया है क्योंकि काम करते समय मेरी आँखों पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा था उसका। तो आपकी भी अगर काम कर रहे हैं और काम करते समय आपकी आँखों पर रिफ्लेक्शन पड़े तो अपने मिरर के साइज़ का पेपर कट करके उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए और आराम से काम कर लीजिए। तो एक मिरर का साइज़ तो वो हो गया, उसके बाद जो मिरर का साइज़ है वो मैंने आउटर रिंग में लगाया है, फिर मिरर के उससे छोटा साइज़ जो है मिरर के चारों ओर के रिंग में लगाया और सबसे छोटा है जो दो में डॉट्स में डाले थे वो हो गया। तो देखा मेरा कितना खूबसूरत सा मिरर तैयार हो गया है और इसे आप कहीं पे भी हैंग